गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ पैराडाइज हॉल से, जहाँ पर आज स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है मूवी फिल्मिस्तान की। जी हाँ, 6 जून को ये मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन आज इसका स्क्रीनिंग किया गया है मीडिया के लिए। और यहाँ पर आए हुए नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी शरीफ हाशमी, साथ ही साथ इनाम उल्लक और डायरेक्टर नितिन कक्कड़। इन तीनों से हमारी एक एक करके बातें होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ हैं इनाम उल्लक, उनके साथ हमारी बातें होगी। इनाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। हेलो कोलकाता, बहुत मजा आ रहा है आज कोलकाता में आके। बहुत बिल्कुल अपना, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मिस्तान की पूरी टीम की तरफ से। स्पेशल स्क्रीनिंग हमने देखी है, मैं सच बताऊंगा, एक ऐसी मूवी जिसने दिल को छू ली। मैंने सोचा नहीं था कि इतने ऊंचाई और इतनी अच्छी मूवी हम देख पाएंगे इतनी गर्मी में। इस मूवी के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो, आपका किरदार काफी काबिल तारीफ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप इतनी तारीफ के लिए, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा मूवी के बारे में कि मूवी बहुत दिल से बनाई गई है और दिल से किया गया, कोई भी काम कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश भी कामयाब होगी। 6 जून को फिल्म वर्ल्ड रिलीज हो रही है, उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा आपका किरदार कितना टफ था, क्योंकि हमने आपको स्क्रिप्ट राइटर के रूप में देखा है, एक्टिंग कितना टफ था ये रोल? मेरे लिए थोड़ा सा था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी प्ले कर रहा था और मैं हिंदुस्तानी हूँ। देखा जाए तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक ही है, जो फिल्म में भी कहा गया है कि खाना पीना एक है, रहना सहना एक है, कपड़े एक जैसे हैं, सब कुछ एक ही है। तो लेकिन और एक जो लकीर खींच दी है वो सिर्फ एक लकीर है, लेकिन फिर भी क्या कि हिंदुस्तान में हम 10 किलोमीटर उधर चले जाएँ तो डायलेक्ट बदल जाती है। तो वैसे उस करेक्टर में भी मुझे थोड़ा पंजाबी टच लाने के लिए थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प लेनी पड़ी। थोड़ा कुछ मेरे पुराने कुछ रिलेटिव्स हैं जो कभी पहले मिला था उनसे पाकिस्तान के, उनसे कुछ उनका रिकॉल वैल्यू काम आया, तो काफ़ी थोड़ा सा था लेकिन मज़ा आया। शूटिंग के बारे में अगर बताएं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे लोकेशन देखे हैं जो आम हम नहीं देखते हैं, तो लोकेशन कहाँ कहाँ थे, कहाँ का शूट की गई? शूटिंग बहुत ही टफ कंडीशन में हम लोगों ने किया है। ये बीकानेर से 80 किलोमीटर इंटीरियर में टुवर्ड पाकिस्तान बॉर्डर, हम लोग बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले थे। बस काफ़ी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, 45-46 डिग्री टेम्परेचर था एंड वी हैड अ वेरी लिमिटेड टाइम टू शूट। वी शॉट दिस फिल्म इन 20 डेज ऑन फिल्म कैमरा विद सिंक साउंड, तो बहुत सारी लिमिटेशन थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। जितने भी लोगों की टीम थी, राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, एवरीबडी वॉज 100% डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू द फिल्म। दैट्स वाई ये बन पाए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। आपका किरदार जो था काफ़ी टफ था। वैसे हमने आपको देखा है कि कई तरह के आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आपने कॉमेडी में भी काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर काफ़ी अच्छे हैं, तो कितना टफ रहता है एक स्क्रिप्ट राइटिंग, ज़्यादा टफ लगा आपको या फिर एक एक्टिंग? सर ईमानदारी से कहूँ तो मेरा पहला प्यार एक्टिंग है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। मैं 2003 में पास आउट हुआ, लेकिन क्योंकि बॉम्बे आने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा सर्वाइवल का क्वेश्चन रहता है, मेरे सामने भी था। तो मेरा एक जो दूसरा, मुझे ऊपर वाले ने एक और टैलेंट दिया है राइटिंग, तो वो राइटिंग का टैलेंट मेरे काम आया मेरे बुरे वक्त में, जब मुझे लगा कि मेरा किचन कैसे चलेगा, तो राइटिंग ने मुझे सपोर्ट दिया और मैं डेफिनेटली आगे भी लिखता रहूँगा, बट मेरा पहला प्यार एक्टिंग है। कोलकाता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोलकाता में दूसरी बार आया हूँ, पहली बार आया तो ज़्यादा टाइम के साथ आए थे हम लोगों ने, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हम लोग, और टैगोर जी के इंस्टीट्यूट में शांति निकेतन गए थे, उससे पहले हम लोग फिर ये स्वामी विवेकानंद के मठ गए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। बहुत अच्छा लगा मुझे कोलकाता के बारे में। एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है ये है कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें भी ऐसे सहेज कर रखी गई हैं, वो हेरिटेज की तरह पूरी दुनिया में वो जो चीज़ें अभी ढूंढने से भी नहीं मिलती हो गई हैं, वो मतलब उनके फोटो भी आज की जनरेशन को दिखा दो तो सरप्राइज करते हैं, अरे ये क्या होता है। लालटेन से लेके ट्राम तक अगर देखा जाए तो पुरानी चीज़ें आपको सब मिल जाएगा। तो ये मुझे कलकत्ता की सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ मतलब पुराने को एकदम से पीछे भूल नहीं दिया जाता, उसको आज भी उतना ही रेस्पेक्ट और वैल्यू दिया जाता है। आई रेस्पेक्ट कलकत्ता फॉर दिस। नाम, मैंने आपको इस मूवी में देखा, हम सब ने आपको देखा है कि आप पायरेटेड सीडीज आप सेल करते थे, तो कभी कितने लाइफ में कभी कितनी बार आपने पायरेटेड मूवीज देखी? पायरेटेड मूवीज़ मैं मतलब मैं टीवी पे भी फिल्म नहीं देख पाता और मैं डीवीडी प्लेयर पे भी, मुझे फिल्म देखने का मज़ा बड़े पर्दे पे ही आता है। तो टीवी पे मैं इसलिए नहीं देख पाता कि ब्रेक के साथ होती है, समय नहीं मिलता, और डीवीडी प्लेयर पे वो मज़ा नहीं आता। और पायरेटेड में तो प्रिंट, तो मैं चाहता हूँ पायरेटेड जैसी, ये पायरेसी जैसी चीज़ हमारे देश से और पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। लोग इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं ताकि बड़े पर्दे पे लोग आके उनको देखें। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है, नो टू पायरेसी एंड प्लीज वॉच द फिल्म्स ऑन बिग स्क्रीन। 40 लाख लोग रेड एफएम पे इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपने काम किया, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे मूवी रिलीज होने वाली है? मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप सबको मेरी गुजारिश है कि फिल्मिस्तान
देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं मेरी फिल्म है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अभी तक का ये रहा है कि कहीं से भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं मिला। अराउंड द ग्लोब ये फिल्म घूमी है, फेस्टिवल्स में घूमी है, नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो उन लोगों के रिस्पॉन्स के लिहाज से मैं कह रहा हूँ आप 6 जून को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाइए और ये फिल्म देखिए। मेरा ये वादा है आपसे कि आप अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। पूरी रेड एफएम की टीम की ओर से, कोलकाता की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि ये मूवी सभी को पसंद आए और आने वाले दिनों में भी आप शुरू कर रहे हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी आवाज़ थी नॉन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्टर इनामुल हक की, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हुई। आज स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है फिल्मिस्तान मूवी की। ये मूवी 6 जून को रिलीज होने वाली है। 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।